ये दूसरी बार कह रहे हो तुम। सही कहा, ये बच्चा उन्हें दे भी दूं तो तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा? प्रेग्नेंट होना, एक बच्चे को कैरी करना, कौन सी इतनी बड़ी बात है? बस थोड़ी सी तो तकलीफ होती है, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स, नहाते हुए बाल झड़ जाना, फेस पे बॉल्स, बॉडी पे रैशेस, हजारों इंजेक्शंस, बस। कभी हंसते हुए रोते हुए यूरिन निकल जाता है क्योंकि ब्लैडर बेबी के वेट की वजह से होल्ड नहीं कर पाता। फीवर, कोल्ड, कॉफ, कुछ भी हो जाए, मेडिसिन नहीं ले सकते क्योंकि बेबी पर असर पड़ेगा, पर इसमें कौन सी बड़ी बात है? अपने पसंद के कपड़े नहीं पहन सकते क्योंकि कुछ फिट नहीं होता, अपना फेवरेट खाना नहीं खा सकते क्योंकि अलाउड नहीं है, डिप्रेशन, मूड स्विंग, सब कुछ चुपचाप सहना पड़ता है ताकि बाकी सबका मूड खराब ना हो। पूरी बॉडी, पूरी सिस्टम सेक्रीफाइस कर लेती है एक माँ 9 महीनों में, और डिलीवरी के वक्त जो पेन होता है ना वरुण, वो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन सब कुछ एक स्माइल के साथ सह लेते हैं हम, क्योंकि हमें मालूम है जब पहली बार इस बच्चे को देखेंगे तो इट विल ऑल बी वर्थ इट। लेकिन इस पूरी प्रेगनेंसी में एक आदमी का क्या कंट्रीब्यूशन होता है? बस एक आह, बेबी आई हैव कम। आई एम श्योर तुमने ये सब रियलाइज नहीं किया होगा।